दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सीमा लक्ष्मीनारायण गार्डन से। आज का मौसम बहुत बढ़िया है, शायद बारिश होगी और बारिश के मौसम में मैं आपको वीडियो के साथ आई हूँ अपने, और आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जो हमारा रेन लिली है बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग पे है। अगर जो आप सही से इसमें पानी डालें, बिल्कुल भी सूखने ना दें प्लांट को, पौधे में हर समय पानी रहे तो नीचे से बर्ड्स निकल के ऊपर आती हैं, जब बड़ी खूबसूरत लगती हैं, छोटी छोटी सी अंदर से रेड कलर की, जिस भी कलर का रेन लिली होता है उस तरीके से बर्ड निकल, जो बर्ड्स होती हैं वो निकल के नीचे से ऊपर आती है, फिर लंबी स्टिक लेके खिलने लगती है। हमारा ये मजेंटा रानी कलर का है, पिंक, डार्क पिंक, बहुत ही खूबसूरत रेन लिली है। और रेन लिली का प्लांट जो होता है नमी के, जब नमी गमले में रहती है तो उसमें बर्ड्स बनने लगती हैं और फ्लावरिंग होने लगती है। वैसे बरसात में बहुत बढ़िया खिलता है, लेकिन बरसात का माहौल अगर जो आप गमले में ले आएँ तो आपका प्लांट जो इस समय मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक खिलता रहता है। और इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, मेरे पास पीला भी है, पीला भी नहीं खिला है, ये कलर खिला है, बहुत खूबसूरत है। और इसमें अगर जो आप इसमें बल्ब बन जाते हैं, अगर जो आप इसको रिपोर्ट करें तो बहुत ही एक पेड़ से बहुत हज़ारों पेड़ बन जाते हैं। और ये मेरा पुराना प्लांट है, पुराना, इसमें बहुत सारे बल्ब हैं लेकिन मैंने इसको निकाले नहीं है। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे बल्ब रखे हैं जिनको मैं लगाऊंगी, और इसमें बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दें जब सीज़न इसका आने वाला है हो तो, और इसमें पानी भरते रहें तो बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर खिलते हैं। बर्ड्स जब खुलती हैं तो धीरे धीरे खुलती है, फिर और दोपहर तक बहुत अच्छी खिल जाती है। इसके अंदर का जो पराग है येलो और वाइट, ये दिख रहा है, प्राकृतिक चीज़ है, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती है। और कोई भी फ्लावर देख के मन तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब एक साथ इसके फ्लावर निकलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसकी पत्तियाँ जो होती हैं बिल्कुल पतली पतली सी होती हैं, पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत लगती हैं इसकी। अगर जो आपके इसमें फ्लावर नहीं खिल रहा है तो पत्तियाँ भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं, और जब हरी पत्तियों के बीच में फ्लावर निकलते हैं बड़े सुंदर लगते हैं। तो इनमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई करते रहें और हल्की सी सॉफ्ट मिट्टी बनाएं, बिल्कुल पत्तियों की खाद में अगर जिसको लगाते हैं, बहुत सुंदर हमारे इसमें फ्लावर खिलते हैं। इसमें मैंने इसको थोड़ी सी मिट्टी निकाल के पत्तियों की खाद भर दी थी, पत्तियों की खाद से थोड़ा मॉइस्चर रहता है, जल्दी इसमें मिट्टी सूखती नहीं, और इसमें बिल्कुल ठोस मिट्टी ना भरें, जो कड़ी मिट्टी है वो ना भरें, गोबर ज़्यादा सी खाद में भरें तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट रहता है, बहुत बढ़िया सी फ्लावरिंग करते हैं। और इसमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं, बस पानी डालते रहें इसमें, तो जितना पानी डालें उतना मॉइस्चर रहेगा और इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसको धूप या छाया कहीं भी रखें, ज़्यादा धूप ना लगे, ज़्यादा छाया ना लगे, बीच के इसके एटमॉस्फेयर में रखें। मेरे पास तो ये पौधे जो हैं धूप और छाया, क्योंकि टीन शेड है, टीन शेड में हमारे पौधे लगे हुए हैं, इन्हीं के बीच में हमारा प्लांट रखा रहता है। जब मैं पानी देती हूँ तो नीचे पानी भी भरा रहता है, और नीचे के पानी से इसमें जो इसका एटमॉस्फेयर है बहुत बढ़िया रहता है, नमी जैसा, तो जो हमारे पत्तियों वाले प्लांट हैं वो भी बड़े खूबसूरत रहते हैं। कोलियस प्लांट देखिए कितने सुंदर से हैं, अगर जो एक दिन पानी भी ना डाले फिर भी इसमें पौधों के साथ में जब रखे रहते हैं तो बड़े ही सुंदर हमारे फ्लावर रहते हैं। बहुत सारे हमारे पत्तियों के प्लांट हमारे टीन शेड में रखे हैं, उन्हीं के साथ रेन लिली रखा है, रेन लिली बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट है। तो आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो मैं अगले वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी, और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब बढ़ाएं और हमारे लिंक को शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बल्ब इसके लगाएं, अभी भी समय है, अभी भी देर नहीं हुई है, बरसात के फ्लावर का रेन लिली प्लांट होता है, और बल्ब मैं लगाऊंगी, बहुत सारे गमलों में ट्रांसफर करूंगी, बहुत सारे हमारे पास बल्ब रखे हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।